कल्याण चौधरी हमारे जैसा है कि हम लोगों का सुन रहा है, हर दुख में हर सुख में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। बुला लो तो आधी रात के चौधरी अमर सिंह का वाले पहुंच जाते हैं। 12 बजे रात को हम लोग फोन लगाए भाई के पास तो भाई उठाते हैं फोन, हमारे दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। ये तमाम महिलाएं किसी संगठन से हैं कि? आशा की है सर। अच्छा आशा बहुएं हैं? आशा बहुएं हैं। बाहरी लोगों के भगावे का अच्छा ये मुद्दा है बाहरी? हाँ, 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 जी अमर सिंह का चुनाव निशान पता है? हाँ, केतली का जिम्मेदारी बनेगा कि बाहरी भगाओ अपने भाई के लाओ, चौधरी अमर सिंह को लाना है। अच्छा कितने लोग सहमत है इनकी बात से? सब लोग सहमत है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र ऐसा चुनाव यहां बन चुका है जिसने तमाम स्थापित दलों की चूल्हे हिला करके रख दी हैं। आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह जो पूर्व विधायक हैं, जब से रण में कूदे हैं तमाम लोगों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं। आज देखिए तमाम महिलाएँ यहाँ पर एकत्रित हुई, इनके अलग अलग मुद्दे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में किसका समर्थन कर रही हैं। चौधरी अमर सिंह का। क्यों? इसलिए को मदद करते हैं, हाँ बहुत मदद करते हैं। बाकी जो सपा से खड़े हैं नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, नहीं कुछ नहीं करते, पूछते भी नहीं है कि खायो या नहीं खायो, ये तो सुख दुख में घर पे पहुंच जाते हैं। कुशल तिवारी से कोई मतलब? कुछ नहीं, कोई उन्हें कोई मतलब नहीं है। सही कह रही है? हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। चौधरी हमारे जैसा है कि हम लोगों का सुन रहा है, हर दुख में हर सुख में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। बुला लो तो आधी रात के चौधरी अमर सिंह का वाले पहुँच जाते हैं और कोई नहीं पहुँचते हैं। 12 बजे रात को हम लोग फोन लगाए भाई के पास तो भाई उठाते हैं फोन, हमारे दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। ये तमाम महिलाएं किसी संगठन से हैं कि? कौन सा संगठन है? आशा की है सर। अच्छा आशा बहुएं हैं? आशा बहुएं सर। आप लोगों की कुछ समस्याएं भी होंगी? समस्या सर यही है कि हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। कुछ आश्वासन दिए चौधरी अमर सिंह? हाँ तो चौधरी अमर सिंह कहे कि भाई हमको जैसे हम तो जीते नहीं है, जी हम जो घर जीत जाएंगे तो उसके बाद में आप लोगों को मांगे हम पूरा करेंगे। लगता है कि पूरा करेंगे? हाँ पूरा करेंगे, वो करेंगे, हाँ करेंगे, भरोसा है, भरोसा हमें पूरा भरोसा है। चलिए और बोला भैया किसको सपोर्ट कर रही है? अमर सिंह चौधरी जो हम लोगों को जो आगे बढ़ाएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। कौन आगे बढ़ा रहे हैं? अब जीतने के बाद तो कोई पहचान नहीं रहा, जीतने के बाद चलिए तो हम लोग जिताएंगे तब तो उनको जब सपोर्ट करेंगे, बिना जीते तो कोई सपोर्ट करेंगे नहीं हमको, जब उनको जिताएंगे उनका। किसको जिता रही है? अमर सिंह चौधरी को जिता रही है। हाँ इधर महिलाओं की एक बैठक चल रही थी, किसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं आप लोग? अमर सिंह चौधरी। किसका? अमर सिंह चौधरी। हाँ कतेली जिताई वो नहीं का। अच्छा। आशा हुआ मानते। तीन बार से सांसद बन रहे हैं। हाँ। ये कुछ नहीं किए क्या? भाई हुआ है अमर सिंह। अच्छा। हाँ महला रही था हम। अच्छा। ये तीन बार से जो सांसद बन रहे हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ। अमर सिंह का जिताई हुए। हाँ लड़का है। हाँ। अच्छा। इधर एक चीज ये समझना चाहते हैं कि इधर मुद्दा क्या है, इस चुनाव में क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए, मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है इधर? अब बाहरी लोगों के भगावे का। अच्छा ये मुद्दा है बाहरी? हाँ, को है। जी बाहरी कौन है इधर? बाहरी जो गोरखपुर बस्ती वहाँ से आते हैं, ये तो हमारे यहाँ के अमर सिंह चौधरी हैं, भाई हमारे हैं, उन्हीं को जिता रहे हैं, गांव घर के। जी ये मुद्दा है बाहरी भगाओ? जी महिलाओं के लिए तो कुछ मुद्दा होगा क्या? महिलाओं का क्या मुद्दा? जी अभी तो वो लोग तो बाहरी आ रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे, मगर इधर के लोगों को भी करना चाहिए ना। तो फिर हम लोग को 17 साल हुआ नौकरी लगने को, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तभी तो हम कुछ काम करवा सकते हैं। अभी तो जिम्मेदारी बनेगा और नहीं जीतेंगे तो क्या जिम्मेदारी बनेगा? बाहरी भगाओ अपने भाई के लाओ, चौधरी अमर सिंह को लाना है। अच्छा कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? सब लोग सहमत हैं। अच्छा आशा बहुओं का मुद्दा क्या है, क्या चाहिए आपको? तनख्वाह चाहिए, वेतन चाहिए हम लोग को। वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने साल से? 17 साल। 17 साल से कमीशन पर जी रही हैं। कमीशन पर जी रही हैं। कोई वेतन है ही नहीं आप लोगों? नहीं नहीं कुछ वेतन नहीं है। हाँ कोई आशा लोगन का वेतन नहीं है सर, इससे कहा था चला जाता आशा पर। तो फिर कैसे खर्चा कैसे चलता है? अब कैसे चलत है, इसे चलत है घर से चलत है और कहाँ चलत है, वो 16-12 आना कहूँ मिल गए, कहीं डिलीवरी ले गए, कहीं और कुछ गए ना, इसे कहूँ मिल गए और कैसे परिवार लोग घर का पति बेटा
मजदूरी करे जा बाहर दिल्ली बम्बई तो उसी से चल रहा है। तो ये भरोसा है कि ये सांसद बन जाएंगे तो कुछ करेंगे? हाँ भरोसा है। पूरा पूरा भरोसा है, इतने साल में हमने भरोसा है, भरोसा है। चलिए खैर, महिलाओं की एक बड़ी मीटिंग थी, यहाँ देख रहे हैं आप चारों तरफ, इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। हालांकि ये भी मुद्दा यहाँ प्रभावी है कि अपने घर के बेटे को ये लोग जिताना चाहते हैं और उम्मीद है कि घर का बेटा जीतने के बाद कुछ करेगा। तो मेरा भी अनुरोध है कि इन सब महिलाओं को समझते हुए अगर इनके घर का बेटा जीतता है तो इन सब का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाहरी बाहरी है बेटा, तो बेटा तो जिला जीत जीत चला था, 5 साल में देखा होता। अच्छा ये सही बताइएगा, कुशल तिवारी वोट मांगने आए आपसे, जो सपा से लड़ रहे हैं? नहीं आए मांगने, वोट मांगने नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए वोट मांगने। हम लोग आज तक कुशल तिवारी को देखने नहीं किया, किस तरह है? और जो अभी सांसद हैं वो कितने बार आए क्षेत्र? एक भी बार अभी हम लोग जिंदगी में आए हैं, कब जिंदगी में? हाँ देखे हैं, कल परसों मंच पे गिर पड़े, वही वीडियो देखे हैं, उससे पहले देखे नहीं, उससे पहले हम देखे नहीं किए हैं। चलिए क्या कह रही हैं? अब का कैसे नहीं के जीत तक है नाई अमर सिंह का चुनाव निशान पता है? हाँ केतली, केतली रटा है सब लोग। हाँ हमारे 8 वर्ष से दौरी था और नहीं पीछे, 15 साल से जो सांसद है उनका भी ध्यान रखिए। नहीं कुछ नहीं, वो अनुकात ही नहीं हम मन का 60 साल से कुछ भैया ने किया क्यों का? हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं किया है कुछ, मैंने 60 साल नहीं दिया था। अच्छा हाँ राशन नहीं पाई था, कहा दिया था साइकिल वाले का ध्यान? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्यों नहीं करेंगे और किसी का नहीं। अच्छा सब लोग यहाँ पे मन बना चुके हैं। चलिए जो भी फैसला होगा वो 25 मई को तय होगा और 25 मई के बाद 4 जून को पता चलेगा कि इन सब महिलाओं ने वोट किसको दिया है। ठीक है, देखते रहिए नेशनल जनमत, सबको पता है। चलिए देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।